नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कंट्रोल पैनल आइडियाज़ में। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है एक आरसीसीवी है, जो वो 30 मिली एम्पियर है और ये एम्पियर शो कर रहा है 30 मिली एम्पियर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये 25 एम्पियर का है और ये 4 पोल है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इनपुट सप्लाई के लिए और इधर जो है वो आउटपुट सप्लाई रहेगा, जो कि जैसा आप देख रहे हैं इनपुट सप्लाई के लिए आर फेज, वाई फेज, बी फेज और न्यूट्रल, और यह आउटपुट आपका सेम रहेगा। तो देखिए, इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये ट्रिपिंग पॉइंट है। जैसे कि ये ऑन किया और इसको ये ट्रिप कैसे होगा, वो हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बराबर वीडियो में वॉच करिएगा, ये आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हमने लिया ये वायर को, इसमें कनेक्ट किया, ये वायर को हमने इस पॉइंट पर कनेक्ट किया, ये पहला लिया है ये। फिर और दूसरा हम जो लेंगे वो वायर हम इस वाले एंड पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे हो गए हैं, ये वायर हमने ये इनपुट वायर जोड़ा और ये आउटपुट जोड़ा। तो देखिए दोस्तों, ये कैसे ट्रिप होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हमने आरसीसीवी जो है ये ऑफ किया, फिर ऑन किया, ये ट्रिप कैसे होगा ये। फिर उसके बाद हमने लिया ये 1.5 वोल्ट का बैटरी, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ड्रा सेल का है और इस तरीके से हम इसको एक पॉइंट को यहाँ पे इस बैटरी का जो पॉजिटिव पॉइंट है इधर टच कराएंगे, और टच कराने के बाद आप देखिएगा किस तरीके से ये ट्रिप हो गया। फिर से ऑन किया हमने, उसके बाद ये बैटरी का पॉजिटिव जो इनपुट दिया था वो पॉजिटिव में लगाएंगे, और जो आउटपुट वाला वायर है वो नेगेटिव में, देखिए ट्रिप हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।